श्री गणेशाय नमः। अथ श्री भाद्रपद मास प्रारंभ। श्री भाद्र मास की महात्म की कथा। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप जैसा पुराणों का वक्ता और कोई नहीं है, अतः आप कृपा करके हमको मासों में उत्तम भाद्रपद महात्म कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सभी महात्म से उत्तम भाद्रपद मास का उत्तम महात्म मैं आप सबसे कहता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। इस महात्म के सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। इस मास में स्नान करने तथा इसके व्रतों को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। इसके संबंध में मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद जी सब लोकों में घूमते घूमते ऋषि अम्बरीश के घर पर आए। अम्बरीश ने देवर्षि नारद जी का अत्यंत भाव से सत्कार करके पाद्य अर्घ आदि से उनका पूजन किया और कहने लगे कि महाराज, मैं धन्य हूँ जो आपने मुझको दर्शन दिया। इस समय मनुष्य कलयुग के प्रताप से बहुत पाप कर्मों में लगे हुए हैं और बड़े बड़े यज्ञ तप असाध्य हो गए हैं और पाप के कर्म करने से अति दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। अतः यदि कोई आप मुझको ऐसा साधन बताएं जो सरल उपाय पापों को नाश करने वाला हो और सभी सूक्ष्म पापों का नष्टक हो। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, मैं तुमको मासों में अति उत्तम भाद्रपद मास का महात्म सुनाता हूँ, जो मेरे पिता ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने उनको सुनाया था। उत्तम, मध्य अथवा अधम किसी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, इस उत्तम मास के व्रत करने तथा महात्म सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में महिष्मित पुर में संबल नाम वाला एक अत्यंत धनी और कृपण छत्री था। वह कृपण होने के कारण अपने धर्म को छोड़कर वैश्यों का कर्म किया करता था। देवयोग से उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री सदैव अपने पति की सेवा किया करती थी। उसका नाम सुमति था। वह संबल सदैव ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। एक समय भाद्रपद मास के आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भाद्रपद के स्नान आदि करने के लिए तैयार हुए। सबल की स्त्री सुमति ने भी भाद्रपद मास के स्नान करने का निश्चय किया। संवल को बहुत समझाया और वह स्नान करने के लिए राजी हो गया, परंतु दूसरे दिन ही उसको अति तीव्र ज्वर हो गया। नित्य ही स्नान के समय उसको ज्वर हो जाता और वह स्नान नहीं कर सका। ज्वर के कारण अति दुर्बल हो गया और अति शीत आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह यमपुरी पहुंच गया। वह अनेक प्रकार की नरक यातनाओं को भोगकर अंत में कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। वह योनि में भूख और प्यास से अति दुखी होकर अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया और उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसको मास का एक पिंड मिल गया। किसी पूर्व जन्म के प्रताप से उस समय भाद्रपद मास और शुक्ल पक्ष थी। अकस्मात उसके मुख से वह मास पिंड जल में गिर गया। वह भी व्याकुल होकर उस मास पिंड के पीछे जल में कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर वहां आ गए और उसको वैकुंठ में चलने को कहा। उसने कहा कि मैंने तो किसी जन्म में कोई पुण्य का काम नहीं किया, फिर वैकुंठ कैसे? पार्षदों ने कहा कि तुमने अनजाने में ही भाद्रपद मासों में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं, पुण्य के प्रताप से तुमको वैकुंठ प्राप्त होगा। अम्बरीश कहने लगे, अज्ञात स्नान का फल इस प्रकार का होता है, तो जब श्रद्धा के साथ स्नान तथा दान किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं अथवा किसी को पुत्र का शोक हो जाता है, वह किस पाप के कारण होता है और उसका कुछ प्रायश्चित भी है, अतः सबके उपकार के लिए है, कृपा कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों,
यही वार्ता एक समय भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछी और जो कुछ भगवान ने उत्तर दिया वो मैं आपसे कहता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, स्त्रियों को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। उस व्रत के करने से स्त्रियां सब दुखों से मुक्त हो जाती हैं। युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे भगवान, इस व्रत की विधि क्या है, इसका फल क्या है, यह आप विस्तार पूर्वक मुझको कहिए। भगवान कहने लगे कि राजन, जो स्त्री इस व्रत को करना चाहे वह प्रातः समय उठकर शौच स्नान आदि नित्य नियम के पश्चात सोने चांदी या मिट्टी की अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनाए, एक बांस की टोकरी से मंगल वायन देवे, व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, सारे दिन भोजन नहीं करना चाहिए, यदि भूखा ना रहा जाए तो कुछ फलाहार कर लेना चाहिए, रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार से जो स्त्री व्रत करती है उसको अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रातः समय होने पर भगवान शिव माँ गौरी की प्रतिमा को विसर्जन करना चाहिए, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार स्त्री सौभाग्यवती रहकर कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकती। मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वीर सेन नाम वाला एक राजा था। उसकी एक देवसेना नाम वाली गुणवती कन्या भी थी। उस कन्या का विवाह हरदत्त के साथ हुआ था। विवाह के थोड़े दिन पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु कुछ काल बीतने पर देव योग से वह कन्या विधवा हो गई और वह कन्या विधवापन के दुख से दुखित होकर अपने पुत्र के सहित रहती थी। एक दिन वह कन्या अपने पुत्र के साथ श्री यमुना जी पर स्नान करने के लिए गई, परंतु जब उस राजकन्या ने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया तो अकस्मात उसका पुत्र गोदी से उछलकर यमुना जी में गिर गया और जल की तरंग में बहकर दूर चला गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और राजकन्या मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। उसकी सेविकाएं बड़ी कठिनाई से उसको राजमहल तक लाईं। वह कन्या अपने पुत्र शोक से अति दुखित होकर कठिनता और कष्ट से अपने दिन बिताने लगी। एक दिन वह कन्या घूमती घूमती किसी ऋषि के आश्रम पर आई और सबके दुखों को दूर करने वाले वहाँ महात्मा कौंडिन्य ऋषि के दर्शन किए और अपने दुख का सब वृतांत महात्मा को सुनाया। ऋषि ने थोड़ी देर ध्यान में मग्न होकर कन्या से कहा कि हे कन्या, मैंने तुम्हारे पिछले जन्म के सब कर्मों को जान लिया है। पहले जन्म में तुम माधव नाम वाले एक क्षत्रिय की स्त्री थी। अपने पति को अत्यंत प्रिय और उसको अनेक प्रकार से सुख देने वाली थी। तुमने कितने ही व्रत किए किंतु मंगला गौरी का व्रत तुमने कभी नहीं किया। इसी कर्म से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख के पीर के लिए मेरी आज्ञा से तुम विधिवत मंगला गौरी का व्रत करो। ऐसा सुनकर इस कन्या ने मुनि के चरणों में अपना माथा नवाया और विधिपूर्वक वहाँ पर ही आश्रम में मंगला गौरी का व्रत किया। उधर वह बालक जब अपनी माता की गोदी से गिर गया तो उसके रोने का शब्द नागराज की स्त्री ने सुन लिया और उसको अपने घर लाकर अपना उसका पालन पोषण करने लगी। उसी अवस्था की नागराज की कन्या यौवन प्राप्त होने पर नागराज ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ काल आनंद से रहने के पश्चात नागराज, जो उसके सब वृतांत को जानता था, बहुत सा धन देकर अपनी कन्या और जमात को विदा किया। जब वह अपनी माता के पास आया तो माता ने बड़े प्रेम के आंसू बहाती हुई अपने पुत्र को हृदय से लगाया और वह चिरंकाल तक सुखी भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में जाकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रमण करती रही। अतः हे राजा अम्बरीश, प्रत्येक स्त्री को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। जो मूर्ख स्त्रियां इस व्रत को नहीं करती वह जन्म जन्मांतर वैधव्य और पुत्र शोक से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाले किसी और व्रत का वृतांत कहिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इसी मास की शुक्ला तीज को सौभाग्यवती स्त्रियों को श्री हर तालिका का व्रत करना चाहिए, जिसका प्रश्न श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से किया था। श्री हरिताल का व्रत की कथा।
एक समय कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे आप मिले और मेरे पति हुए, सो मुझसे कहिए। भगवान शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, पहले जन्म में तुम गौरी दक्ष के घर में उत्पन्न होकर मेरे साथ ब्याही गई, परंतु दक्ष के यज्ञ में तुमने मेरे अपमान को सहन न करके यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म हो गई, और फिर हिमाचल के घर में उत्पन्न होकर पार्वती के रूप में आई। तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे, परंतु तुम्हारा चित्त पूर्व जन्म के संस्कारों से मेरे चरणों में लगा हुआ था, अतः तुम अपने पिता का घर त्याग कर वन में जाकर अपनी सखियों के साथ मेरे में अपने चित्त को लगाकर तपस्या करने लगी। जिस दिन तुमने अपने घर का त्याग किया था उसी दिन भाद्रपद शुक्ला तीज थी और उसी दिन तुमने तपस्या आरंभ कर दी, तब मैंने तुमको आकर दर्शन दिए और विवाह करने का वरदान दिया। तब राजा हिमाचल ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया और तुम उसी दिन से मेरी अर्धांगिनी बन गई, और मैंने वरदान दिया कि जो स्त्री भाद्रपद शुक्ला तीज को मेरी और तुम्हारी पूजन करेगा और व्रत धारण करेगी उसको अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि तथा सब प्रकार के विघ्नों के नाश के लिए किया जाता है। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों को ऋतु दोष तथा दूसरे दोषों का भी नाश हो जाता है। तब राजा अम्बरीश कहने लगे कि महाराज, यह पंचमी ऋषि पंचमी कैसे कही गई है और इसके व्रत के क्या लाभ है? रजो दर्शन के पाप से कैसे दूर होते हैं, कृपया आप मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे अम्बरीश, जो स्त्री जानकर अथवा अनजाने में रजस्वला होने पर घर के बर्तनों आदि को हाथ लगा देती है वह महापाप को प्राप्त हो जाती है और नरक में पड़ती है। इसमें मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उससे दुखित होकर इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण की विधि पूछी। तब ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उसने ब्रह्म हत्या के चार भाग किए और चार स्थानों में डाल दिए। पहला भाग अग्नि के जलने में जो प्रथम ज्वाला निकलती है उसमें डाल दिया। दूसरा भाग वर्षा काल में जब नदी की पहली बाढ़ आती है उसको दे दिया। तीसरा भाग पर्वतों के भाग को। चौथा भाग स्त्रियों के रजो दर्शन के समय दे दिया गया। इसीलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी स्त्रियां रजो दर्शन के समय पहले दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान और चौथे दिन जाकर शुद्ध होती हैं। इसीलिए इन तीनों दिनों में जो स्त्री जानकर तथा अनजाने में बर्तनों आदि को हाथ लगाती है या घर का कोई और दूसरा कार्य करती है वह पाप की भागी होती है, और जो कोई दूसरा इसके संपर्क करता है वह पाप का भागी हो जाता है। तब राजा कहने लगे कि हे ब्रह्म, आप कृपा करके यह भी बताइए कि यह व्रत सप्त ऋषियों का व्रत कैसे कहलाया और किसी ने पहले इस व्रत को किया है। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले समय की बात है, सुमित्र नाम वाला एक अत्यंत पारिश्रमी ब्राह्मण था। वह खेती आदि करके अपने कुटुंब का पालन किया करता था। उसकी स्त्री अत्यंत सीधी और पतिव्रता थी। वह दोनों ही बड़े परोपकारी और बड़े सज्जन थे। कदाचित देवयोग से ऋषि पंचमी का दिन आ गया और उसी दिन सुमित्र के पिता का श्राद्ध था। वह अपनी स्त्री से कहने लगा कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसीलिए उनकी अक्षय तृप्ति के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, और ऐसा कहकर वह ऋषियों को भोजन करने के लिए निमंत्रण देने चला गया। उसकी स्त्री भोजन बनाने लगी, परंतु अकस्मात भोजन बनाते समय वह
रजस्वला हो गई तब वह बड़ी चिंतित हो गई कि मध्याह्न का समय हो गया और मेरे पति ब्राह्मणों सहित आते होंगे। यदि ब्राह्मण लोग इस भोजन को नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। तब उसने स्नान आदि करके दूसरी स्त्रियों की सहायता से दूसरा भोजन बना लिया। मध्याह्न के समय सुमित्र भी ऋषिगणों के सहित आ गए, परंतु भोजन के समय उन ऋषियों ने दिव्य चक्षुओं से यह जान लिया कि यह भोजन तुरंत संपर्क के दोष में से दूषित हो गया है। ऐसा जानकर उन्होंने भोजन नहीं किया और सुमित्र के 14 पितर निराश होकर चले गए और उन ऋषियों ने सुमित्र और उसकी स्त्री को शाप दे दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार सुमित्र किसी प्रकार से सांत्वना देकर उनके पास ही वन में चला गया और उन ऋषियों की सेवा करने लगा। तब उन ऋषियों ने सुमित्र के श्राप उद्धार के निमित्त उसको यह उपाय बताया कि तुम मृत्यु के पश्चात बैल की योनि में और तुम्हारी स्त्री कुतिया की योनि में जन्म लेगी और तुम अपने पुत्र के ही घर में रहोगे। 7 वर्ष बीत जाने पर 8वें वर्ष जिस दिन तुम्हारा श्राद्ध दिन होगा उसमें से जो भोजन बना होगा उसमें सर्प विष डाल देगा और तुम्हारी स्त्री जो उस समय कुतिया की योनि में होगी उस भोजन को विषयुक्त देखकर उसकी झूठा कर देगी, जिससे कि ब्राह्मण लोग उसको ना खा सकें। इससे तुम्हारी पुत्र वधु इस बात को न समझकर उसको जला जलती हुई लकड़ी मारेगी। उसी दिन तुम खाने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तब वह तुम्हारी बातें सुनकर ऋषि पंचमी का व्रत करेगी और उसके पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। उनके यह वचन सुनकर सुमित्र की अपने घर पर कुछ दिनों के पश्चात मृत्यु हो गई और वह ऋषियों के कथन के अनुसार अपने पुत्र के घर में ही बैल और कुतिया की योनि में पड़े रहने लगे। वह कुतिया उनका बच्चा हुआ छोटा झूठा भोजन करती और बैल खेती आदि के कार्य में सारे दिन हल में जुता रहता। एक समय उनके सुमित्र श्राद्ध का दिन आ गया, तब सुमति पुत्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के निमित्त अपनी स्त्री चंद्रवती को कहने लगा, आज मेरे पिता का श्राद्ध दिन है, अतः तुम अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आऊं। जब चंद्रवती ने भोजन बना लिया तो उसकी अनुपस्थिति में सर्प ने भोजन में विष डाल दिया। यह सब वृतांत वह कुतिया माता देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस विषयुक्त भोजन को ब्राह्मण खा जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने अपनी पुत्र वधु के सामने ही उस भोजन को मुंह लगाकर झूठा कर दिया। इस पर उसकी पुत्र वधु ने क्रोध में आकर एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उसकी पीठ पर दे मारी और फिर स्नान आदि करके दूसरी रसोई बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस दिन उस कुतिया को कुछ भी नहीं मिला और वह सारे दिन भूखी रही। जब रात्रि को बैल सुमित्र घर पर आया तो उसने अपनी दुर्दशा का वृतांत उससे कहा। सुमित्र कहने लगा कि प्रिय, तुम्हारे पाप के संपर्क से मैं भी अति दुखी होकर बैल योनि में पड़ा हूँ और आज मुझको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उनके इस वार्तालाप को सुनकर उनके पुत्र सुमित्र के मन में अति दुख उत्पन्न हुआ कि मेरे माता पिता कितने दुखी हैं, और उनकी मुक्ति के उपाय के लिए वह वन में चला गया। वहाँ पर घूमते घूमते वह गंगा जी के किनारे पहुँच गया और वहाँ पर एक आश्रम में बड़े ज्ञानी ऋषियों को देखा और अपना सब वृतांत उनको सुनाकर अपने माता पिता के लिए मुक्ति का साधन पूछने लगा और कहने लगा कि किस पाप के कारण यह उनकी दुर्गति हुई। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी माता ऋतु काल में जानते हुए भी बाल भाव से घर का कामकाज करती रही, उसी पाप के फल से उनको कुतिया की योनि प्राप्त हुई और तुम्हारा पिता उसके संपर्क से दोष से बैल की योनि में पड़ा। इनकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो और फल के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करो। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उसी दिन शाकाहार के और कुछ नहीं खाना। तब उन्होंने ऋषियों के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके पुण्य के प्रभाव से उत्तम विमान में बैठकर भगवान के दूतों द्वारा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, उसी दिन
भाद्रपद मुक्ता पंचमी को नाग पंचमी का व्रत किया होता है। वन में जाकर सांप के खोल के पास दूध आदि रखकर नाग देव की पूजा की जाती है, जिससे वर्ष भर तक सर्प आदि का कोई भय नहीं रहता। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी ललिता देवी का व्रत। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए ललिता षष्ठी का व्रत करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी का व्रत ललिता षष्ठी करने वाली स्त्रियों को प्रातः समय उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र धारण करके श्वेत फूलों की माला पहनकर तथा गहने आदि पहनकर बालों की मिट्टी के पांच पिंड बनावे और वन में वास करने वाली ललिता देवी का ध्यान करें। पंकज करवीर आदि के पत्तों तथा अक्षत लेकर देवी का पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे ललिता देवी, हे गिरिजा सर्व सौभाग्य की देने वाली, मुझको अनंत सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार प्रार्थना करके सुंदर चंपा के फूलों से प्रार्थना तथा अनेक प्रकार के फल नारी केवल आदि चढ़ावें, दीपावली करें, रात्रि को जागरण करें, अनेक प्रकार के दान दें, ललिता देवी के आगे नमस्कार करें। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत के करने से स्त्रियों को अनंत सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को सोम षष्ठी का व्रत भी किया जाता है। जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं या होकर मर जाते हैं, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजा अम्बरीश, पुत्र स्त्री तथा लक्ष्मी वृद्धि के लिए मनुष्य को भाद्रपद शुक्ला सप्तमी ज्येष्ठा नवत्रयुक्त को ज्येष्ठा देवी का व्रत और पूजन करना चाहिए। प्रथम गुरु का पूजन करना चाहिए, फिर विधिवत ज्येष्ठा देवी का पूजन करें। इस प्रकार 12 वर्ष तक भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से स्त्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। जिसके पुत्र होकर मर जाते हों, उसकी बड़ी आयु के पुत्र होते हैं। इसके काक बंधे तथा वैधव्य दोष नाश हो जाते हैं, दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठा देवी भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। यदि भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, अष्टमी हो, तो अष्टमी का व्रत कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम देवी का आवाहन करें, षोडशोपचार विधि से पूजन करके देवी का भोग लगावें और फिर आप भी भोजन कर लेवें। इस प्रकार व्रत करने से विद्या की इच्छा करने वाले को विद्या, धन की इच्छा करने वाले को धन, स्त्री की इच्छा करने वाले को स्त्री, पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऋषि कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, स्त्रियों को सौभाग्य को बढ़ाने वाला तथा सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दूर्वाष्टमी का व्रत करना चाहिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, दूर्वाष्टमी को जो स्त्री दुर्वा से भगवान शिव जी का पूजन करती हैं, उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र से युक्त पति की आयु क्षीण हो जाती है, जो दूर्वाष्टमी का पूजन करती है वह 3 जन्म तक विधवा नहीं होती। अतः स्त्रियों को प्रतिवर्ष गणेश जी का पूजन करके भूमि में श्री शिवजी मूर्ति स्थापित करके अक्षत पुष्प धूप दीप तथा अनेक प्रकार के फलों और विशेष विधि पूर्वक भगवान शिव जी का पूजन करें। जो स्त्री श्रद्धा से दही अक्षत पुष्प फल समीपत्र और दुर्वा से श्री गणेश जी या श्री शंकर जी का पूजन करती है, उनको सब मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार दुर्गाष्टमी और दुर्वाष्टमी का पूजन करने से मनुष्य के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार व्रत करके प्रार्थना करें, हे देवी, तुम सब अमृत होकर सब देवताओं से पूजन की गई हो, मेरे सब कार्य सिद्ध करो तथा संतान और सौभाग्य का वर प्रदान करो। जिस प्रकार तुम्हारी शाखा और प्रशाखा इस महीतल पर फैली हुई है, इसी प्रकार मेरी संतान भी अजर और अमर हो जाए
तथा संसार में यश को प्राप्त हूँ, इस प्रकार प्रार्थना करके अग्नि में बिना पकाए फल और दही ब्राह्मणों को निवेदन करें, फलाहार का भोजन करामें, दुर्वाष्टमी का व्रत और पूजन करने से वह ब्रह्म हत्यादिक सब पापों से मुक्त होकर सौभाग्य और संतान को प्राप्त करने वाली हो जाती है और उनके कुल का कभी नाश नहीं होता। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे अम्बरीश, इसमें मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। एक समय 100 वर्ष तक देवताओं और दैत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस समय देवता भगवान के आश्रित होकर दैत्यों को मारने लगे, तब बहुत सारे दैत्य युद्ध क्षेत्र से भागने लगे, बहुत से पाताल लोक को चले गए, कुछ लंका की ओर भागे तो कुछ गुफाओं में जा छिपे। उन दैत्यों में एक कोलासुर नाम का दैत्य एक पर्वत की गुफा का दुर्ग बनवाकर वहां पर रहने लगा और जिस किसी रजकन्या को वह रूपवती तथा गुणवती देखता था उसको दुर्ग में लाकर उनके साथ रमण किया करता था। इस प्रकार उस देश के रहने वाले उस कोलासुर दैत्य से अति दुखित हो गए। एक समय गौतम ऋषि के सहित अगस्त ऋषि का आगमन वहां पर हुआ, तब उस देश के सब दुखित जनों ने अपने दुख का कारण ऋषियों को निवेदन किया, तो ऋषियों सहित सभी जनों ने ऋषियों के कथन अनुसार भगवान विष्णु की आराधना की जिससे दुष्ट राक्षसों का नाश हो। तब भगवान ने तीनों संध्याओं को अपने सहित लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी जी इन सब के अंशों सहित महाबली के रूप में सबको लेकर कोलासुर राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुई। जब कोलासुर को यह पता लगा कि महालक्ष्मी और उनकी सेना ने उनके सारे दुर्ग को घेर लिया है तो बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके अनेक प्रकार के शस्त्र और अस्त्र लेकर काल के समान युद्ध करने के लिए अपने दुर्ग के बाहर आया। उधर महालक्ष्मी भूतनाथ और उन गण राक्षस सेना पर टूट पड़े, राक्षसी सेना को मारने लगे। तब कोलासुर अपनी सेना को निर्बल देखकर अपनी गदा लेकर भैरव पर आक्रमण कर दिया और माथे पर इस जोर से गदा मारी कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसा देखकर महालक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा क्रोध आया, ऐसी बाण वर्षा की कि आकाश को बाणों से ढक दिया। तब वह अपनी गदा लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए भागा, परंतु देवी ने उसके पैरों पर इतने बाण मारे कि वह विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और घायल हो गया। उसके सारे शरीर में रुधिर बहने लगा। तब देवी ने बड़े क्रोध से उसके हृदय में एक ऐसा बाण मारा जिससे उसके प्राण निकल गए। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। तब महालक्ष्मी ने कोलासुर के दुर्ग में प्रवेश किया तो सबके सब राजकन्याओं ने जिनको कोलासुर में बंदी बना रखा था उनका स्वागत किया और उनकी स्तुति करने लगी। उन राजकन्याओं की स्तुति सुनकर अपने भक्तों को अविष्ट फल देने वाली महालक्ष्मी ने उनको अनेक वरदान दिए। इतनी कथा सुनकर अम्बरीश देवर्षि नारद जी से कहने लगे, हे मुनि, आप कृपा करके कहिए कि यह व्रत पहले भी किसी ने किया तथा इस व्रत का प्रचार कैसे हुआ। श्री नारद जी कहने लगे कि पहले इस समय में कुंडल नाम के नगर मंगल नाम वाला एक सार्वभौम राजा राज्य करता था। उस राजा की रानी का नाम पद्मावती था और दोनों ही अत्यंत प्रेम के साथ रहते थे। उसका तवल्लक नाम वाला एक ब्राह्मण मंत्री था। एक दिन वह राजा तवल्लक मंत्री और दूसरे सैनिकों सहित वन में शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर उनके अनेक हिंसक जंतुओं को मारा। थोड़े समय में राजा को अति प्रयास लगी। उसने अपने अनेक सेवकों को जल की खोज में भेजा। तवल्लक घूमते घूमते एक बड़े भारी वन में जा निकला और वहां एक अति सुंदर देवकन्या को देखा और उसके समीप ही उसने एक सरोवर को भी देखा। वह कन्या बड़े आदर के साथ वहां पर महालक्ष्मी का व्रत कर रही थी। तवल्लक ने पूछा कि हे कन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब कन्या ने कहा कि सब प्रकार के मन इच्छित फल देते वाली महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन कर रही हूँ। तवल्लक ने भी व्रत का सब वृतांत सुनकर उस व्रत के करने का निश्चय किया और संकल्प के निमित्त अपने हाथ में डोरा बांध लिया और स्वयं जल पीकर राजा के लिए भी लेकर आ गया। राजा से उसके हाथ में डोरा बंधा हुआ देखकर उससे पूछा कि यह डोरा कैसा बंधा है।
क्या किसी का संकल्प लिया है व्रत का? तब तवल्लक ने राजा से कहा, महालक्ष्मी के व्रत का सब वृतांत कहा। और राजा ने भी भक्ति के साथ व्रत करने के निमित्त अपने हाथ में डोरा बांध लिया और तवल्लक सहित अपनी पुरी में आकर अपनी प्रिय रानी पद्मावती के महल में आया। जब रानी ने उसके हाथ में डोरा बंधा हुआ देखा तो अति क्रोधित होकर कहने लगी कि यह डोरा तुमने कैसे बांधा है? क्या किसी दूसरी स्त्री से विवाह करने के निमित्त किसी व्रत का संकल्प लिया है? और ऐसा कहकर क्रोधित भाव से उस पवित्र डोरे को राजा के हाथ से तोड़कर जलते हुए अग्नि में डाल दिया। राजा ने हा हा करते हुए कहा कि हे मूर्ख, तूने यह क्या कार्य किया? व्रत किए बिना डोरे को तोड़ने से तुमने मुझे अत्यंत पाप का भागी बना दिया। महालक्ष्मी के व्रत के संकल्प को तोड़ने से हानि के भय से राजा घोर वन में चला गया और उस वन में विचरते हुए मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मुनि वशिष्ठ जी को तप करते हुए देखा और अत्यंत विनम्र भाव से उनके चरणों पर गिर गया और अपने दुख का सब कारण मुनि को सुनाया। मुनि ने कुछ देर ध्यान मग्न होकर अपने ज्ञान चक्षुओं से उसके दुख का कारण जान लिया और उससे कहा कि तेरा सब दुख महालक्ष्मी के व्रत करने से ही दूर हो सकता है। इसके पश्चात राजा फिर शिकार की तलाश में वन में गया तो दूर से एक मृग को देखा। राजा ने मृग को बाण मारा और वह मृग राजा के बाण से घायल होकर रुधिर बहाता हुआ भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे गया। मृग तब एक दूसरे वन में चला गया और राजा की निगाह से ओझल हो गया। उस वन में राजा ने एक सुंदर बाग और सरोवर देखा। सरोवर में एक अत्यंत सुंदर कन्या को स्नान करते हुए देखा। राजा उस सुंदर कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और अति मधुर वचनों से कहने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? कन्या कहने लगी कि मैं यहाँ के राजा की कन्या हूँ और वशिष्ठ जी की आज्ञा से सुंदर वर की इच्छा से यहाँ पर महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन कर रही हूँ। राजा कहने लगा कि सुंदरी, मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करके तुमको राजरानी बनाना चाहता हूँ। कन्या कहने लगी कि यदि ऐसा है तो आप गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर ऐसा कर सकते हो। तब वह दोनों ऋषि आश्रम के पास आए और ऋषि की आज्ञा से कन्या के पिता ने अपनी कन्या के व्यवहार राजा के साथ कर दिया। बहुत सा धन दास दासी रथी घोड़े हाथी देकर उत्साह के साथ राजा ने विदा किया। महालक्ष्मी जी की कृपा से राजा को व्रत न करने का संकल्प दोष लगा, वह सब दूर हो गया और राजा अपनी नगरी में आया। महालक्ष्मी जी की कृपा से सारी पृथ्वी का राजा हुआ और उसके बहुत से पुत्र पौत्र आदि हुए। अंत में वह भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। तवल्लक भी व्रत के प्रभाव से अनेक सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी कोई स्त्री या पुरुष 16 वर्ष तक इस व्रत को करता है वह पापों के नाश करने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सब सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री भाद्रपद मास महात्म समाप्तम।